हेलो किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे मल्टीटेक हार्वेस्ट चैनल पे। तो हम यहाँ पे आप मल्टी क्रॉप थ्रेसर की सेटिंग के बारे में छोटी बड़ी जानकारी देते हैं, लगभग सारी सारी जानकारी दे देते हैं, जितना हमको नॉलेज है, 10 साल का एक्सपीरियंस है वो बता देते हैं। तो अभी मैं जीरा साफ कर रहा था, अभी यहाँ पे जिसका जीरा साफ करा उसी का तारा मीरा है। तो जीरा साफ करते बीच में तारा मीरा निकल रहा, जो अगर किसी दूसरे का है तो हम बोल सकते कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे, अगले दिन निकालेंगे, लेकिन इन्हीं का है तो इनको अब पहले मैंने जीरा इनका साफ किया था और अभी हम इसका इन्हीं का तारा मीरा निकालेंगे किसान भाइयों का। तो तारा मीरा की सेटिंग के बारे में जानकारी पूरी पूरी दूंगा, जीरे में चलते चलते कौन सी सेटिंग, कौन सी जाली लगाए, कौन सा कटर लगाए, क्या क्या करे, कितना चेंज करे, बस बहुत कम से कम चेंज करने में भाई तारा मेरा निकल दे, ज़्यादा ज़्यादा हमको भी मेहनत न करने पड़े और किसान भाइयों का भी दाना एकदम साफ और सही करेक्ट निकले, तो इसी के बारे में जानकारी दूंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि हम जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा, तो कमेंट में हमारा भी हौसला बढ़ता है, इसी वजह से आगे और भी वीडियो बनाते हैं। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। मस्त वीडियो करा मैं ये लीली सरपा आ रहे ये लीलो जंबो मैं को जन्ना दी अभी मैं जो जाम्बा तारा मीरा हमारी भाषा में जामा बोल रहे तारा मीरा वो निकाल रहा हूँ, एकदम गीला माल है। मैंने आपको दाने भी दिखाए, एकदम हरे हरे दाने आ रहे हैं, तो इसी की सेटिंग के बारे में जानकारी सोचूंगा। ऊपर वाला मैंने ढक्कन खोल दिया है और जीरे में चलते हम जाली स्वयं रहने देंगे, जाली चैन नहीं करेंगे बड़ा वाला, और मैं खुलो रहने दो, खुलो खुलो रहने बंद हो देखो, जाली ऊपर वाली हम स्वयं रहने देंगे और बीच वाली स्वयं रहने देंगे, जीरे वाली चैन नहीं करेंगे, और छोटी वाली जाली वो भी हम वही लगाएंगे, चेंज नहीं करेंगे। छोटी वाली ऊपर वाले तीनों जाली हम सेम रहने देंगे और सिंचाई जल गीला माल है तो हम एक नंबर पे रखेंगे, अगर सूखा माल है तो हम दो नंबर पे रख सकते हैं, ठीक है। और हम केवल एक कटर को चेंज करेंगे, कटर आपके पास जैसे अगर साड़ी में बताऊं तो 48 साड़ी, 45 साड़ी या 40 साड़ी के आसपास जो भी हो डाल दो, या फिर आप जैसे कि ग्वार में या फिर सरसों में, ग्वार में या सरसों में जो कटर यूज कर रहे हो ना वही कटर लगाओ तो चल जाएगा, ठीक है। अगर सुपर माल है जहाँ तारा मेरा थोड़ा बहुत है तो हम धीरे वाले कटर में भी निकाल देंगे, और ज़्यादा माल है और गीला माल है तो हम एक नंबर से नहीं धीरे वाले कट में नहीं निकल पाएगा, इसी वजह से। अगर अपना गीला माल है तो हम कटर चेंज करेंगे, केवल एक कटर ही चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हवा वही रहने देंगे, प्रेशर प्लेट वगैरह कुछ नहीं चेंज करेंगे, और जाली भी वही लगे रहने देंगे जीरे की, केवल एक हम कटर जाल चेंज करेंगे ऊपर से। कटर जाल अपना दो सूत से ज़्यादा कोई भी आप डाल दो, तीन सूत का होगा अच्छा रहेगा, 8 mm का या 10 mm का कोई भी कटर हो आप डाल दो। और गीला माल है तो कटर आप थोड़ा पत्ती के नज़दीक रखना, गीला माल है कटर को पत्ती के नज़दीक रखना, अगर सूखा माल है तो दूर रखना, क्योंकि सूखा माल होगा तो उड़ाने के चांस ज़्यादा रहेंगे, इसी वजह से सूखा माल है तो हमें कटर
ज़्यादा ताड़ी का यूज करना है, जैसे कि 2 सूत का होगा तो अच्छा रहता है। अगर थोड़ा बहुत है तो हम जीरे वाले कटर से ही निकाल लेंगे, ज़्यादा माल है तो हम कटर बड़ा यूज करेंगे। ठीक है, तो आज वीडियो इसी जगह पे करते हैं एंड, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए